आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक के बारे में। इस समय सोशल मीडिया के ऊपर एक बस चल रही है जहां पर बोला जा रहा है कि HAL और BEL की तरफ से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है और इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत आने वाले कुछ महीनों के अंदर भारतीय वायुसेना के Su-30MKIs को एक नया इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम मिल जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर ये नहीं बोल रहा हूँ कि जिन लोगों की तरफ से ये चीज रिपोर्ट की गई है वो गलत है, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी ऑल्टर्ड है। चीजों को डिटेल में समझने से पहले आइए एक बार समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली ये इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम है क्या और इसकी एप्लीकेशन कहाँ होने वाली है। एक टिपिकल इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम ऑब्जेक्ट से आ रही इंफ्रारेड रेडिएशंस को सेंस करता है और उसके बेसिस पर उसको ट्रैक और सर्च करता है। इसको ओवर सिंप्लीफाई करने के लिए अगर आप मॉडर्न डे कैमरास का एग्जांपल लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैमरास में फेशियल रिकॉग्निशन का ऑप्शन रहता है और अगर आप फोटोग्राफ लेते समय स्माइल कर रहे होते हैं तो आपके चेहरे के चारों तरफ एक येलो बॉक्स या ग्रीन बॉक्स बन जाता है, यानी कि उसने आपका फेस रिकॉग्नाइज कर लिया है। अब इमेजिन कर लीजिए कि ये कैमरा विजुअल लाइट की जगह पर इंफ्रारेड रेज के बेसिस पर काम कर रहा हो और इस दौरान जो फीड आपको मिल रही है उसमें चीजों को आप ट्रैक कर सकते हैं और उनके ऊपर वेपन भी गाइड कर सकते हैं। कुछ इसी तरीके से ऑपरेट करता है इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक। नॉर्मली जब रेडार्स ऑपरेट करते हैं तो वो रेडिएशन एमिट करते हैं और ये रेडिएशन एमिट होकर टारगेट के ऊपर जाकर टकराती है और वहां से रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है। लेकिन अगर टारगेट के पास में इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर्स हैं तो टारगेट को पता चल जाता है कि रेडार की तरफ से उनको पेंट किया जा रहा है और वो चौकन्ने हो जाते हैं। इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक के केसेस में किसी भी तरीके की रेडिएशन एमिट नहीं होती है। इनफैक्ट ऑब्जेक्ट जो इंफ्रारेड रेडिएशन एमिट कर रहा होता है उसके बेसिस पर ट्रैकिंग होती है। इस तरीके के डिटेक्शन प्रोसेस को पैसिव डिटेक्शन कहते हैं और पैसिव डिटेक्शन होने के चलते ये पूरा प्रोसेस आपके एयरक्राफ्ट की पोजीशन को गिव अवे नहीं करता है। अगर इस समय भारतीय वायुसेना की फाइटर जेट फ्लीट की बात की जाए तो उसमें से कुछ फाइटर जेट्स के पास में इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक है और कुछ के पास में नहीं है। जैसे कि भारतीय वायुसेना के Su-30MKIs इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक के साथ में आते हैं, MiG-29 UPG फाइटर्स भी इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक कैरी करते हैं। इसके अलावा रफाल फाइटर जेट्स के पास में इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक के साथ साथ एक कंप्लीट फ्रंट सेक्शन ऑप्ट्रॉनिक्स का पैकेज है, लेकिन बाकी सभी फाइटर जेट्स जैसे कि मिराज 2000, LCA तेजस, जैगुआर फाइटर बॉम्बर और MiG-29 इस सेंसर को कैरी नहीं करते हैं। रही बात इंडिजिनस IRST की, तो इस न्यूज को सबसे पहले हम ही लोगों ने ब्रेक किया था और तब हम लोगों ने आपको बताया था कि भारत की तरफ से एक इंडिजिनस सिस्टम बनाया जा रहा है जो LCA तेजस मार्क 2 के लिए डेवलप किया जा रहा है। फरवरी में जब एरो इंडिया हुआ था तब हमारी बात हुई थी उस टीम के साथ में जो इस सिस्टम को डेवलप कर रही है और उनकी तरफ से हम लोगों को बताया गया था कि ये सिस्टम डेवलप कर लिया गया है और टेक्नोलॉजी BEL को ट्रांसफर कर दी गई है। अब BEL इस सिस्टम को फैब्रिकेट करेगा, उसकी क्वालिटेटिव टेस्टिंग की जाएगी और उसके बाद HAL के साथ में मिलकर इस सिस्टम को भारतीय वायुसेना के Su-30MKI के ऊपर माउंट किया जाएगा जो कि एक टेस्ट बेड के तौर पर काम करेगा। उस चीज को लेकर अग्रीमेंट अप्रैल 2022 में हो चुका था, लेकिन उस समय तक ये सिस्टम डेवलप नहीं हुआ था। सिस्टम डेवलप हुआ है इसी साल और अब ये सिस्टम इंटीग्रेशन में जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर यह भी समझना जरूरी है कि ये जो सिस्टम डेवलप किया जा रहा है वो Su-30MKI के लिए नहीं किया जा रहा है, ये टिपिकली LCA तेजस मार्क 2 के लिए किया जा रहा है। शुरुआती प्रोटोटाइप में इम्पोर्टेड सिस्टम माउंट किया जाएगा जिसको इवेंचुअली इंडिजिनस सिस्टम से रिप्लेस कर दिया जाएगा। करंट Su-30MKI के पास में ऑलरेडी अपना खुद का इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम है और काफी हद तक वो सिस्टम भारतीय वायुसेना की सारी रिक्वायरमेंट पूर्ण कर रहा है, लेकिन ये जो इंडिजिनस इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक बनाया जा रहा है वो अभी सर्टिफिकेशन में जाएगा और एक बार सर्टिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है उसके बाद इसको पहले LCA तेजस मार्क 2 के साथ में इंटीग्रेट किया जाएगा। हालांकि अगर ये सिस्टम अपनी परफॉर्मेंस के साथ में भारतीय वायुसेना को इम्प्रेस करता है और कैपेबिलिटी में ये एग्जिस्टिंग Su-30MKI के सिस्टम से बेहतर होता है तो चांसेस है कि भारतीय वायुसेना इस सिस्टम के साथ में भी जा सकती है, लेकिन वो चीज मुझे बहुत जल्दी होते हुए दिख नहीं रही है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।